यूपी के बरेली में एक प्राइवेट अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती लड़की के रेप का आरोप अस्पताल के कंपाउंडर और उसके चार साथियों पर लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल खेत में काम करने के दौरान लड़की को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद लड़की को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका गैंगरेप किया गया। लड़की जो भर्ती हुई थी, जिसे सांप ने काट लिया था, वो भर्ती हुई और उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद जब उसकी हालत सुधर गई तो उसे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उसने ये कहा कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, बेहद ही शर्मनाक की घटना है, जहां पर अस्पताल में भी एक लड़की सुरक्षित नहीं है। जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया है अभी तक? बिल्कुल फरा, अगर किसी हॉस्पिटल में ऐसी घटना होती है तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि जहाँ इतनी भीड़ भाड़ का इलाका है और खुद पर हॉस्पिटल है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और किशोरी के साथ रेप किया जाता है कंपाउंडर और उसके चार साथियों की तरह। अब पुलिस अभी तक हालांकि किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सीसीटीवी और अस्पताल के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब देखना ही होगा क्या जो सीसीटीवी है उसमें घटना वारदात जो है वो कैद हुई है या फिर किसी अन्य कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो एसएसपी बरेली है मुनराज, उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए और दो टीमें बनाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। अयोध्या में दुनिया की सबसे ऊंची राम प्रतिमा बनाने का भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दिवाली पर सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 200 मीटर ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक इसको लेकर कई कंपनियों ने सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है और जल्द इसका आदेश हो सकता है। इस बीच अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रतिमा का विरोध नहीं करते, लेकिन राम मंदिर का ये विकल्प नहीं है। भटकाने के लिए विशाल राम जी की मूर्ति सरयू तट पर बनाने की घोषणा की है और बनावे अच्छी बात है, मंदिर बनावे, दीपावली वो मूर्ति बनावे, दीपावली मनाओ, सब ठीक है, लेकिन जब तक मंदिर नहीं बनता उसके विकल्प में दूसरा कोई चीज नहीं है। जो वादा किया वो निभाओ, बड़ी सीधी सी बात है। रामलला पे कानून बनाओ, ये भी बनाओ, ये विश्व की सबसे ऊंची वो होगा, आपको डबल धन्यवाद देंगे हम लोग, लेकिन मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त करिए। हमारे मुख्यमंत्री चाहते थे कि वहाँ भगवान राम की भव्य प्रतिमा लगे, पार्टी की भी डिमांड है, जनता की भी है, तो निश्चित रूप से उस पर काम चल रहा है। दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति राम मंदिर पर बैठक के दूसरे दिन आज आदेश जारी करेगी। समिति के मुताबिक इस मुद्दे पर काफी चर्चा की गई और अब आदेश जारी किया जाएगा। इस बीच राम मंदिर को लेकर बयानबाजी जारी है और सियासत से लेकर धर्म से जुड़े लोग इस मुद्दे पर जारी बहस में कूद रहे हैं। हमारे मंदिर की घोषणा हो जाए, अध्यादेश लाए, कानून बनाए, जैसे अभी चर्चा चल रही थी सोमनाथ की तर्ज पर, नहीं तो जैसे ढांचा टूटा था वैसे ही हम राम मंदिर बना करके दिखाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के मसले में मुझ पर एक केस भी चल रहा है अडवाणी जी पर और मेरे ऊपर। उस केस के ऊपर भी मुझे गर्व रहता है कि कम से कम राम जन्मभूमि के जैसे महान कार्य के लिए मुझ पर केस चला है। बाकी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो ये मेरी इच्छा है। ये कोई चुनाव से उसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो और शीघ्र ही आपको सार्थक परिणाम देखने को भी मिलेंगे। देखिए, हम नहीं बताएंगे आपको कि कब बनेगा मंदिर और कब बनवाएंगे, बन जाएगा तब आपको बता देंगे। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन जब भी फैसला आएगा वहाँ रामलला का भव्य मंदिर ही बनेगा, कोई बाबर के नाम की स्मारक और इमारत अब नहीं बनेगी। मंदिर बनाना है उसके लिए भी स्वागत है और अब तो देखिए इसलिए भी बन जाएगा कि आरएसएस ने एडवाइजरी जारी कर दी है सुप्रीम कोर्ट को। पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। बिहार का पटना मेडिकल कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा, जहां मरीजों के लिए 5,462 बेड उपलब्ध होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दिवाली के बाद होने वाले छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्रियों में घुसकर चोरी के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया।
यूपी के कानपुर में छेड़छाड़ के आरोप में एक महिला ने दो बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने सात। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कहीं पेड़ों पर फॉगिंग की जा रही है तो कहीं एमसीडी की टीम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। यूपी के उन्नाव में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम पर छापा मारकर 10 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे को सीज किया। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने 155 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे को टिकट दी गई है। सूची में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से टिकट मिला है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को दोबारा रघोगढ़ से मैदान में उतारा गया है। भोजपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। सूची में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल कई लोगों के नाम भी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घर में ही बड़ा झटका लगा है। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के भाई यानी शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने बीजेपी के साथ साथ अपने जीजा पर भी सियासी हमला किया। संजय सिंह के मुताबिक बीजेपी के कामदारों की कद्र नहीं है और अब मध्य प्रदेश को कमलनाथ की जरूरत है। और जिस प्रकार से भाजपा में जो द्वंद चल रहा है, नामदारों को उतारा जा रहा है, कामदारों को दरकिनार किया जा रहा है, जो कामदार थे वो कामदार ही बन के रह गए हैं, नामदारों को पैराशूट से उतारा जा रहा है, शहजादों की एंट्रियां हो रही है और परिवारवाद और वंशवाद फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। कोई पदाधिकारी भी नहीं थे जहाँ तक मेरी जानकारी है और इसलिए संजय मसानी कोई राजनीति में इधर से उधर जाने का कोई ऐसा कोई राजनीतिक असर है इसको मैं नहीं मानता। जब घर वाले ने ही भरोसा छोड़ दिया हो मामा जी पे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश की जनता का मन है वो उनके शिफ्ट होने से ही समझ में आ जाता है। जब